गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ला कानून से संबंधित वाक्यों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर है उस पर खून का आरोप लगाया गया। उस पर खून का आरोप लगाया गया, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। उस पर खून का आरोप लगाया गया, मतलब हत्या का आरोप लगाया गया। He was accused of murder। अब इसी के अनुसार आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। उस पर चोरी का आरोप लगाया गया, He was accused of theft। He was accused of theft। उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। जैसे यहां उस पर खून का आरोप लगाया गया, He was accused of murder, वैसे He was accused of theft, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। वह दो दिन हवालात में रहा। He was in the police lockup, हवालात। He was in the police lockup For 2 days, वह 2 दिन पुलिस हवालात में रहा, या वह 2 दिन हवालात में रहा। He was in the police lockup for 2 days. He was in the police lockup for 2 days. उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दे। उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दे। He reported this incident, घटना incident, to the police. उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी। He reported this incident to the police. He reported this incident to the police. अपराधी बरी कर दिया गया। The accused was acquitted. अपराधी बरी कर दिया गया। द एक्यूज्ड वाज एक्विटेड। द एक्यूज्ड वाज एक्विटेड। वह फरार हो गया। ही एब्सकॉन्डेड। वह फरार हो गया। ही एब्सकॉन्डेड। वह जमानत पर छोड़ दिया गया है। वह जमानत पर छोड़ दिया गया है। He has been released on bail. वह जमानत पर छोड़ दिया गया है। He has been released on bail. He has been released on bail. शहर में बदअमनी फैली हुई है। शहर में बदअमनी फैली हुई है। लॉलेसनेस, बदअमनी। लॉलेसनेस, कानून विहीनता। लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी, व्याप्त है, फैली हुई है। शहर में बदअमनी फैली हुई है। लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। लॉलेसनेस प्रिवेल्स इन द सिटी। तुमने गैर कानूनी कार्यवाही की है। तुमने गैर कानूनी कार्यवाही की है। योर एक्ट इज इलीगल। तुमने गैर कानूनी कार्यवाही की है। योर एक्ट इज इलीगल। इंसाफ का यही तकाजा था। जस्टिस डिमांडेड इट। इंसाफ का यही तकाजा था। जस्टिस डिमांडेड इट। आप मेरे गवाह हैं। यू आर माई विटनेस। आप मेरे गवाह हैं। यू आर माई विटनेस। ये कानून के खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। यह कानून के खिलाफ है। दिस इज
अगेंस्ट द लॉ, यह कानून के खिलाफ है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। वह बिल्कुल बेगुनाह है, वह बिल्कुल बेगुनाह है, ही इज इनोसेंट, इनोसेंट निर्दोष, बेगुनाह, वह बिल्कुल बेगुनाह है, ही इज इनोसेंट। ये सब नकली दस्तावेज हैं, ये सब नकली दस्तावेज हैं, दीज आर फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, ये सब नकली दस्तावेज हैं, दीज आर आल फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, दीज आर आल फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। अगला, उसने मेरे विरुद्ध अभियोग किया, उसने मेरे विरुद्ध अभियोग किया, ही फायर्ड ए सूट अगेंस्ट मी, अभियोग मतलब मुकदमा, उसने मेरे विरुद्ध मुकदमा किया, ही फायर्ड ए सूट अगेंस्ट मी, या ही फायर्ड ए केस अगेंस्ट मी, ही फायर्ड ए केस अगेंस्ट मी। वकीलों ने गवाहों से प्रश्न किए, वकीलों ने गवाहों से प्रश्न किए, द लायर्स क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेसेस, द लायर्स क्रॉस एग्जामिन्ड द विटनेसेस, गवाहों से, विटनेसेस, वकीलों ने गवाहों से प्रश्न किए, दे लायर्स क्रॉस एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन मतलब पूछताछ करना, प्रश्न करना, दे लायर्स क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस, दे लायर्स क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस। आजकल मुकदमाबाजी बढ़ गई है, आजकल मुकदमाबाजी बढ़ गई है, नाउ इट इज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज, नाउ इट इज आजकल लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज, आजकल मुकदमाबाजी बढ़ गई है, नाउ इट इज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज। पुलिस इस विषय में छानबीन कर रही है, पुलिस इस विषय में छानबीन कर रही है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेट्स टिंग द मैटर, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। मैंने इसके विरुद्ध फौजदारी अभियोग कर दिया, मैंने इसके विरुद्ध फौजदारी अभियोग कर दिया, आई हैव फाइल्ड ए क्रिमिनल केस, फौजदारी अभियोग, क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम, मैंने इसके विरुद्ध फौजदारी अभियोग कर दिया है, आई हैव फाइल्ड ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम, या क्रिमिनल सूट अगेंस्ट हिम, मैंने इसके विरुद्ध या उसके विरुद्ध कहिए फौजदारी अभियोग कर दिया है, आई हैव फाइल्ड ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया, मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया, द मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड, मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया, द मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड, मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया, दी मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड दी एक्यूज्ड। अंत में अभियुक्त और अभियोग करने वालों ने संधि कर ली, अंत में अभियुक्त और अभियोग करने वालों ने संधि कर ली, एट लास्ट प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट रीच्ड ए कंप्रोमाइज, अंत में अभियुक्त और अभियोग करने वालों ने, यानी मुकदमा करने वालों ने संधि कर ली, एट लास्ट प्लेंटिफ
and defendant reached a compromise. उसको मृत्युदंड मिला, उसको मृत्युदंड मिला. He got death sentence. इस तरह से आप देख रहे हैं कि कानून से संबंधित, ला से संबंधित बातों को कैसे वाक्य के अंतर्गत सम्मिलित करके और इनका प्रयोग करके हम अपनी बातचीत को बहुत आकर्षक बना सकते हैं. क्योंकि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी लेते हैं, चाहे वह घर हो, ऑफिस हो, बाजार हो, कोई समारोह हो, स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, या अन्य किसी भी पार्टी इत्यादि में आप जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के, विभिन्न विषयों के, विभिन्न संदर्भों की आवश्यकता पड़ती है. और उससे संबंधित अगर बातें हमको जानकारी नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति हमें इंग्लिश में अकुशल समझेंगे, यानी वो मान के समझेंगे कि हम अंग्रेजी में कुशल नहीं है, अंग्रेजी में दक्ष नहीं. जैसे ये कचहरी से संबंधित मामले, कानून से संबंधित मामले हैं, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं थाना, पुलिस, कचहरी से जुड़ा हुआ है. और अगर नहीं भी जुड़ा हुआ है तो अगर सामने वाला व्यक्ति थाने या कचहरी या मुकदमे से संबंधित बात करता है तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उसकी बातों को समझें और उसी के अनुरूप हम उसका जवाब भी दें या क्वेश्चनिंग भी करें. तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जो वाक्य आपको दिए गए हैं उसे अध्ययन कीजिए, वीडियोस को देखिए, समझिए, मनन कीजिए. और जब बातचीत आप करते हैं तो विभिन्न जगहों पर इन विभिन्न संदर्भों को, विषयों को आप अपने बातचीत के अंतर्गत मिश्रित कीजिए. जहां जिस संदर्भ की आवश्यकता पड़े वहां उसका प्रयोग करके अपने बातचीत को आकर्षक बनाइए. थैंक यू.